अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है सिंगापुरियन नूडल्स। तो इनको बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी, सबसे पहले मैंने लिया है चिकन। 800 ग्राम मैंने चिकन लिया है और इसको मैंने छोटे छोटे से क्यूब्स में इस तरह काट लिया है और उसमें डाला है मैंने 1 टीस्पून लहसुन पाउडर और 1/2 टीस्पून ओरिगैनो और 2 टीस्पून ब्लैक पेपर। जो लहसुन पाउडर मैंने डाला है आप उसकी जगह लहसुन पेस्ट भी डाल सकते हैं, ठीक है। और 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट और साथ में इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून ऑयल और साथ में इसमें जाएगा सोया सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर। विनीगर जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून और कद्दूकस किए हुए प्याज हैं ये, तो अगर आप चाहें तो प्याज का पाउडर अगर आपके पास हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर डाले हैं चॉप्ड ऑनियन, तो इसको भी मैंने इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और अब मैं इसको पैन में डाल दूँगी, पकने के लिए रख दूँगी इसको। तो पैन जो है मैंने नीचे से इसके आँच पहले से चला दी है, तो ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा जब पकने लग जाएगा तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूँगी ऊपर नीचे और अब मैं इसके ऊपर ढक्कन दे दूँगी 5 मिनट के लिए। आप देखिए जो चिकन का पानी है ना वो बिल्कुल अलहदा से हो गया है और चिकन जो है हमारा काफ़ी हद तक पक चुका है, बस थोड़ा सा फ़र्क है इसमें। और 2-3 मिनट मैं इसको और भून लूँगी और अब ये देखिए हमारा चिकन बिल्कुल गल चुका है और अब ये बिल्कुल रेडी है। थोड़ा सा हमने इसको जूसी रखना है, बिल्कुल खुश्क नहीं करना। तो अब एक साइड पर मैंने एक पैन लिया है छोटा सा प्यारा सा, उसके अंदर मैंने डाला है ऑयल 1/2 कप के बराबर मैंने इसमें ऑयल डाला है। और ये देखिए मैंने ग्रीन चिलीज़ काटी थी, 4-5 ग्रीन चिलीज़ मैंने इसमें काटी थी, तो उसमें से मैंने 3 टेबलस्पून इसमें डाल दी हैं और 2 टेबलस्पून मैं साइड पर रख दूँगी। और इसमें डालूँगी मैं गार्लिक 2 टेबलस्पून, इस तरह से बारीक बारीक आपने काट लेने हैं। तो इसकी मैं बनाऊँगी चिप्स, ग्रीन चिल्ली और लहसुन की हमने चिप्स बनानी है जो कि हमने नूडल्स के ऊपर बाद में डाल देनी है। ये देखिए इसको मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी यहाँ तक कि जब तक हमारे जो लहसुन और ग्रीन चिलीज़ है ना थोड़ी थोड़ी सी गोल्डन शेप में ना आ जाए। तो ये देखिए ग्रीन चिलीज़ और गार्लिक की चिप्स बन चुकी है और इसको मैं निकालूँगी प्लेट में। तो ये देखिए खस्ता करारी सी हमारी चिप्स बन गई है और जो ऑयल था ना वो मैंने इसमें डाल दिया है पैन में, तो उसी पैन में जो मैंने 2 टेबलस्पून हरी मिर्चें बचा के रखी थी ना वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी और अब 1 मिनट के लिए मैं इसको भून लूंगी थोड़ा सा। तो 1 मिनट तक भूनने के बाद इसमें मैं डालूंगी तकरीबन 1 कप के बराबर ऑनियन, इस तरह से मैंने क्यूब्स कट कर लिए हैं। तो इसको जो है मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी ऑनियन को, बस हमने इसका कच्चापन दूर करना है। 2 से 3 मिनट तक बस हमने इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। ये देखिए प्याज का कच्चापन जैसे चला जाए तो हम इसमें शामिल कर दूँगी शिमला मिर्च, एक लार्ज साइज़ की शिमला मिर्च मैंने ली थी और इसको इस तरह से मैंने जूलियन कट कर लिया था और साथ में ली है मैंने कैरेट एक बड़े साइज़ की, उसको भी मैंने इस तरह से कट कर लिया है। और अब 2 से 3 मिनट तक मैं इसको भून लूँगी थोड़ा सा। और अब उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी कैबेज यानी कि बंद गोभी 1 कप के बराबर और साथ में इसमें 2 टमाटर मैंने डाल दिए हैं बड़े साइज़ के।
क्यूब्स में, और अब मैंने इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए कुक किया है। और अब जो है वेजिटेबल्स हमारी बिल्कुल पक गई हैं जितनी सी हमने पकानी थी। और इसमें मैं डालूंगी जी 2 टेबलस्पून विनीगर, और साथ में 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा सोया सॉस। विनीगर और सोया सॉस इसमें चला गया। और जी अब मैं इसको थोड़ा सा हिला जुला लूँगी, और साथ में इसमें जाएगा 1 टीस्पून के बराबर ब्लैक पेपर। अब कुछ देर मिक्स करने के बाद इसमें डालूँगी मैं टोमेटो सॉस 1 टेबलस्पून। तो 1 टेबलस्पून टोमेटो सॉस इसके अंदर चली गई, और थोड़ा सा इसको मैं मिक्स कर लूँगी। और ये देखिए मैंने यहाँ पर नूडल्स को बॉईल करके रखा हुआ था पहले से, 1.5 पैकेट के करीब मैंने नूडल्स बॉईल किए हैं, तो वो इसमें सारे मैं शामिल कर दूंगी। और अब इसमें डालूंगी 1 टीस्पून नमक। नमक डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। तो जी नूडल्स हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं, और अब इसके ऊपर जो हमने सॉस डालनी है अब हम उसकी तैयारी करते हैं। तो उसके लिए मैंने लिया है 3/4 कप के बराबर मायोनीज, 1/2 कप योगर्ट। तो इन दोनों चीज़ों को जो है अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी यहाँ पर, और इसमें जाएगा 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। साथ में इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून हॉट सॉस। और 1 टेबलस्पून इसमें केचप शामिल कर देंगे। तो इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूंगी। और अब इसमें जाएगा 1/2 कप वाटर, और इसको भी मैं इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो इसकी इसको मिक्स करने के बाद हमारी सॉस बिल्कुल रेडी है। थोड़ा सा इसमें आप सॉल्ट ऐड कर दीजिएगा 2 चुटकी के बराबर, और इसको मैं आप साइड पर कर दूँगी। और एक और बोल लूँगी मैं, और उसके अंदर डालूँगी मैं 3 टेबलस्पून हॉट सॉस, और 1/4 कप के बराबर इसमें केचप जाएगी। और केचप शामिल करने के बाद मैं इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। तो इसको मिक्स करने के बाद अच्छी तरह हम इसमें डालेंगे 1/4 कप के बराबर पानी। तो जी ये सॉस भी हमारी नूडल्स के ऊपर जाएगी बाद में। तो रेड सॉस भी हमारी तैयार हो चुकी है, और वाइट सॉस भी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम असेंबल करते हैं नूडल्स को ट्रे के अंदर। एक प्यारी सी मैंने ट्रे ली है, और उसके अंदर मैं डालूंगी नूडल्स। पहले हमने नीचे नूडल्स की सारी तह लगा लेनी है, और जो चिकन बनाया है मैंने वो इसके ऊपर शामिल कर दूंगी। एक तह इसके ऊपर मैं चिकन की डालूंगी इस तरह से, ये देखिए। और अब जो मैंने वाइट सॉस बनाई थी ये मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगी, ये देखिए इस तरह से। ये बहुत ज़्यादा डालनी है आपने, थोड़ी नहीं डालनी, क्योंकि इसके साथ और भी ज़्यादा यमी बन जाते हैं नूडल्स हमारे। सिंगापुरियन नूडल्स में ये सॉस ज़्यादा जाती है। तो उसके ऊपर मैं डाल दूंगी रेड सॉस, और ये जो चिप्स बनाई थी ना मैंने हरी मिर्च की और लहसुन की, ये ऊपर हमने शामिल कर देनी है थोड़ी थोड़ी सी। तो ये देखिए जितने मैंने नूडल्स बनाए थे ना, वो मैं एक ट्रे में नहीं बल्कि इसको मैं 2 ट्रे में डेकोरेट कर रही हूँ। तो ये देखिए जी हमारे नूडल्स बनकर तैयार हो चुके हैं, सिंगापुरियन नूडल्स। तो आप उसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, यकीनन इंशाल्लाह ताला आपसे भी बहुत मज़े के बनेंगे। तो ये देखिए
बहुत ही कमाल के नूडल्स बने हैं, बिल्कुल जूसी और क्रीमी टेक्सचर है इसका। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।